कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शनि की साढ़े साथी उर्ढैया से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं मात्र एक फूल को शनि देव के अर्पण करने से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनि देव को कौन सा एक ऐसा विशेष फूल ज्यादा पसंद होता है जिसको चढ़ाने से व्यक्ति को शनि की साढ़े साथी उर्ढैया से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। ऐसा इसलिए कि ये इंसान के कर्मों के हिसाब से उसको फल देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ऊपर शनि देव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वहीं अगर किसी का कर्म बुरा होता है तो शनि देव उसे माफ नहीं करते। शनि के प्रभाव से कोई इंसान वंचित नहीं रहता है, क्योंकि हर 30 साल में शनि सभी राशियों में भ्रमण करते हुए उसी राशि में पहुंच जाते हैं जहां से वो चले थे। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि ऐसा ग्रह होता है जिसका प्रभाव हर इंसान के जीवन पर पड़ता ही है। ऐसे में शनि देव से डरने की हमें जरूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ विशेष उपायों से हमें शनि देव को प्रसन्न कर लेना चाहिए ताकि हर प्रकार के कष्ट से परेशानी से हम दूर। और दोस्तों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं, लेकिन शनि देव का पसंदीदा फूल चढ़ाने से शनि के सभी दोषों से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा फूल है जो शनि देव को बेहद प्रिय होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हैरानी होगी, ये होता है आक का फूल, जो कि शनि देव को बेहद प्रिय होता है। शनि देव को आग का ये फूल इतना पसंद होता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में शनि देव को इस फूल को चढ़ा देता है, वो उसकी मन चाही हर मुराद पूरी करते हैं और शनि ग्रह के सभी दोषों से उसे मुक्त कर देते हैं। यहाँ तक कि शनि के जो साढ़े साथी है और भैया है, उसमें भी उस व्यक्ति को राहत मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, शनिवार को गुप्त रूप से उड़द की दाल का दान करना चाहिए और इस बात को दूसरों को बताने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका बखान करने से फिर दान करने का कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो जो भी आप शुभ कार्य करते हैं या दान करते हैं तो आपको गुप्त रूप से करना चाहिए ताकि आप उसका हजार गुना फल पा सकें। और दोस्तों, दूसरा एक और उपाय हम आपको बता रहे हैं, मंगलवार के दिन भैरव की पूजा से संबंधित। हर मंगलवार को भैरव देवता की उपासना शनि की क्रूर दृष्टि से व्यक्ति को बचाती है। इसलिए मंगलवार को भैरव की साधना और इनके मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा रोज शाम को घर में गूगल की धूप जरूर जलानी चाहिए। और दोस्तों, अगर कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव है या कोई और वजह है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। इस उपाय से भी शनि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस साल दो राशियों पर शनि की ढैया चल रही है। ये दो राशियां हैं मिथुन और तुला, जबकि धनु, मकर और कुंभ राशियों पर शनि की साढ़े साथी चल रही है। इसके अलावा साल 2022 में मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साथी रहेगी। साथ ही कर्क और वृश्चिक राशियों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। साल 2022 में शनि का पहला राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा और शनिदेव राशि बदलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये थी कुछ विशेष जानकारी जो कि शनि ग्रह के दोषों से आप लोगों को मुक्ति दिलाएगी और आपकी मन चाही मनोकामना को भी पूर्ण कराने में समर्थ रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, आप कोई भी काम कीजिएगा, आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। यकीन कीजिएगा, जो भी काम आप पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा के साथ, भावना के साथ करेंगे तो 100%
आपको सफलता जरूर मिलेगी और भगवान की विशेष कृपा को भी आप पा सकेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।